गुड मॉर्निंग माइंड स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड गार्डियंस. ड्यू टू पेंडेमिक COVID-19 यू आर कंटिन्यूइंग योर स्टडी थ्रू ऑनलाइन क्लासेस. सो टूडे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ए मैथ क्लास. लेट्स कम टू द टॉपिक चैप्टर 1 रिविजन. चैप्टर 1 रिविजन दैट मीन्स दीज आर द सम्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 2. You have already read it. Let's discuss. Number 1. Write the following numbers in words. That means 45 FORTYFIEE 45. Number 2. Write the following numbers in figures. 74 74. बाकी आपको ऐसे ही करना है. नंबर 3 में टाइप द फॉलोइंग इन सर्कल. दैट मीन्स 600 प्लस 3 टेंस प्लस 2 वंस इक्वल टू 1632. नेक्स्ट नंबर 4. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सप्लेनेट फॉर. ऐसे ही करना है. 369 इक्वल टू आपको उसको एक्सप्लेन कर लेना है. 300 प्लस 60 प्लस 9 और भी एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे 300 प्लस 6 टेंस प्लस 9 वंस. नेक्स्ट नंबर 5. राइट द नंबर्स दैट्स आर ग्रेटर देन 125 एंड लेस देन 130. दैट मीन्स आपको 125 से लेकर 130 के बीच जितने सारे नंबर है उसको लिखना है. जैसे 126 127 128 एंड 129. नेक्स्ट फाइंड द लीस्ट नंबर. लीस्ट का मीनिंग है स्मॉलेस्ट. इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 124. नेक्स्ट राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट. ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट होता है कितना है? 99. कैसे आपको निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर 99? नेक्स्ट राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट. दैट मीन्स 10. नेक्स्ट राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट. 999. राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट. सबसे छोटा वाला, सबसे थ्री डिजिट का छोटा वाला नंबर 100. नेक्स्ट 11 नंबर. व्हिच इज ग्रेटर. दैट मीन्स इसमें सबसे बड़ा कौन है? ना 672. व्हिच इज द स्मॉलर? 965 और 956? 956. नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मीन बिग टू स्मॉल. आपको पता है बड़ों से छोटे लिखना है, खुद लिखोगे. उसके बाद राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. दैट मीन्स स्मॉल टू बिग. सबसे छोटा वाला नंबर पहले लिखना है, उसके बाद वाला नंबर लिखना है. ऐसे आपको स्मॉल टू बिग लिखना है. उसके बाद राइट द नंबर्स बिटवीन 656 एंड 663. इसका मतलब आपको इसके बीच वाला नंबर लिखना है. जैसे मैंने लिख दिया, देखो. उसके बाद यूज सिंबल्स. दैट मीन्स स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू. जैसे मैंने एक देखो अभी कर रही हूँ. पहले क्या गए ना 735 737. इसमें सबसे बड़ा कौन है? ना 737. सब बड़े कौन थी? जुआड़े बड़ो सियाड़े बड़ो जुआड़े सानो सियाड़े मुन. ताने जे सान संख्या हे ता आड़क मुन रोब. जे बड़ संख्या हे ता आड़क गोड़ रोब. नेक्स्ट हूँ आपको ऐसे ही करना है. 17 नंबर. हाउ मेनी वन डिजिट नंबर्स आर देयर. इसका आंसर है वन डिजिट नंबर कितना है? 1 से लेकर 9 तक 9 है. उसके बाद हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर. उसका एक फॉर्मूला है, मैंने बाद में बताऊंगा. अभी देखो टू डिजिट नंबर्स कितना है. टू डिजिट नंबर है
देर आर 92 डिजिट नंबर। इसका एक फार्मूला देखो, जितना प्रेजेंट डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर माइनस बिफोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। आपको देखो कैसे करना, देखते हैं। जैसे टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, टू डिजिट नंबर बताया है, टू डिजिट नंबर आपको निकालना है। आपको कैसे करना है, पहले आपको क्या करना है ना, टू डिजिट नंबर आपको पहले देखो 99 प्रेजेंट डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 99 माइनस बिफोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 9 = 99 = 90। आपको ऐसे ही यहाँ पर दे, उसके बाद हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर देयर, मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना ना 900। आपको ऐसे ही निकालना है। तो आप देखिए काउंटिंग बाय 20 राइट न्यूमेरल्स फ्रॉम 651 टू 756। आपको स्किप काउंटिंग करना है, काउंटिंग 20 मतलब आपको स्किप काउंटिंग करना है। आगे आगे जाना है, कितना कितना है 20 ऐड कर करके आपको आगे जाना है। उसके बाद कितना देना, काउंटिंग बाय 5 विथ राइट न्यूमेरल्स फ्रॉम 790 टू 739, दैट मीन्स आपको 5 स्किप काउंटिंग करके जाना है। उसके बाद काउंटिंग बाय 100 राइट न्यूमेरल्स फ्रॉम 219 टू 949, दैट मीन्स आपको 100 एड करके आगे जाना है, कितने तक ना 949 तक। उसके बाद एडिशन, एड मीन्स एडिशन, यू हैव ऑलरेडी नो दिस 23 नंबर पहला मैंने देख कर रही हूँ, क्या देना 500 2 283। आपको एडिशन करना है, पहले हमेशा याद रखो एडिशन हमेशा वन प्लस से शुरू होता है, इसलिए 7 + 3 = 10, 0 = 1, 8 + 1 = 9, 5 + 2 = 7, कितना हुआ ना 790। ऐसे यहाँ पर जितने सारे एडिशन दिया है आपको करना है। उसके बाद क्या दिया है ना, अरेंज इन कॉलम्स एंड एड, मतलब आपको अरेंज करना है, वो दिया है लाइन में, आपको अरेंज करना है कॉलम से। कहते हैं ना 24 नंबर क्या दिया है, पहले 489 प्लस 65, आपको कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। पहले 489 पहला नंबर लिखना है, फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर का आपको हमेशा वन से प्लस से शुरू करना है। जैसे अभी इसका वन प्लस में 5, आपको वन प्लस में 5 लिखना है। उसके बाद 6 या आपको 10 प्लस में 6 लिखना है। अगर 100 प्लस में इसमें कोई नंबर नहीं है इसलिए मैंने 100 प्लस छोड़ दिया। आपको अगर 100 प्लस में कोई नंबर नहीं है तो आपको छोड़ना है, अगर हो तो आपको लिखना है। अभी उसके बाद में करना है 9 + 5 = 40, 44 में 1, 8 + 6 = 14, 1 = 15, 5 + 1 = 4, 1 = 5। आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पर जितने सारे दिया है 24 नंबर में आपको ऐसे ही अरेंज करके करना है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट मीन्स आपको पता है माइनस, सब्ट्रैक्शन जो होते हैं उसको बोलते हैं माइनस। आपको माइनस करना है, कैसे देखो 25 नंबर एफ 334 80 आपको माइनस करना है। अभी देखो ऊपर छोटा वाला नंबर है, नीचे बड़ा वाला नंबर है, इसलिए आप उसके पास वाला नंबर से वन उधर लगाना है। अभी कितना करना, 14 हो गया, 14 से जाने के बाद 6, 2 अभी यहाँ पर है, 2 से 1 जाने के बाद 1, अभी कितना हुआ ना 16। आपको ऐसे 25 नंबर सार के सर करना है। उसके बाद 26 नंबर, वो भी सब्ट्रैक्शन है, आपको ऐसे ही करना है। 26 नंबर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दिया है, आपने जैसे 2 डिजिट वाला सब्ट्रैक्शन किया है 25 नंबर में, ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट 27 नंबर, अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस, दैट मींस यहाँ पर भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे 27 नंबर पहले जाए 525 386, आपको ऐसे सब्ट्रैक्शन करना है। पहले हमेशा एडिशन की तरह यहाँ पर भी वन से प्लस आपको शुरू करना है, पहले 5 है उसके नीचे 6 है इसलिए हमें वहाँ से उधर लगी, वहाँ पर 15 हो गया, 15 से 6 जाने के बाद 9, अभी यहाँ पर 1 है, अभी 1 में 8 है नीचे तो नहीं हो पाएगा इसलिए वहाँ से क्या उसके पास वाला नंबर लाया। जब याद रखो मैंने कोई बोलती नहीं हूँ, जब 1 के प्लस लाते हो उसके पास आपको मतलब 10 लाते हो, इसलिए 10 ये प्लस 1 लाते हुआ 11, 11 से 9 जाने के बाद 3। नेक्स्ट अभी इसने दे दे उसके पास 4 है, 4 से 3 जाने के बाद 1, अभी इसका आंसर हुआ 139। आपको ऐसे ही यहाँ पर जितने सारे नंबर दिया है आपको ऐसे ही अरेंज करके करना है। नेक्स्ट 28 नंबर, बिना रीड
three books. The books contain 312, 469 and 132 pages. How many pages did she read? यहाँ पर एज नहीं है. How many pages did she read? आपको कैसे करना है देखो अभी यहाँ पर 20 नंबर रीड फर्स्ट बुक कितना पेजेस है 312 पेजेस. सेकेंड बुक 469 पेजेस. थर्ड बुक 132 पेजेस. अभी क्या करना है देखो यहाँ पर है हाउ सी रीड हाउ मेनी पेजेस रीड सी रीड मतलब आपको यहाँ पर एडिशन करना है. ऐसा एडिशन देना है उसके बाद देखना टोटल नंबर ऑफ पेजेस. नाइन प्लस टू 11 प्लस टू 13 1 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 1 इक्वल 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 913. आपको ऐसे नीचे भी लिखना है बिना री 913 पेजेस इन ऑल. यहाँ पर देखो 20 से लेकर 38 तक ये जितने सारे अशोक स्टोरी में थे आपको ये सब ऐसे ही करना है. अभी मैंने देखो हार्ड कॉपी में 29 से नंबर से लेकर 38 नंबर तक कहाँ पर सब प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा मैंने इसका लिख दिया है और मैंने उसका आंसर भी लिख दिया है. अभी आपको ये सब घर में करके बाद आपका आंसर इसी हार्ड कॉपी के आंसर के साथ मिलाना है. नेक्स्ट थर्टी फाइव नंबर सिंप्लीफाई. आपको अभी इसको सिंप्लीफाई करना है. मतलब आपको अभी इसको सिंप्लीफाई मतलब सिंपली करना है. कैसे ना 329 माइनस 196 प्लस 457 माइनस 362. देखो अभी इसमें कुछ स्टेप है जिसको मैंने हार्ड कॉपी में लिख दिया लेकिन अभी देखो आप लोग स्टेप वन पहले आप लोग को प्लस साइन या फिर जिसमें नो साइन वाला नंबर वो दोनों को आपको एडिशन करना है. जैसे 329 प्लस 457 लेफ्ट राइट साइड में आपको एडिशन करना है 329 457 जैसे 9 प्लस 7 16 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 4 प्लस 3 7 और जो आपकी ए वाला नंबर वहां पर लिखना है सर ना 786. स्टेप टू में क्या करना है ना आपको जो माइनस सिंबल वाला नंबर है ये दोनों को आपको एडिशन करना है. जैसे 196 प्लस 369 टू यहाँ पर आपको नीचे से करना है देखना 196 362 6 प्लस 2 8 9 प्लस 6 15 5 प्लस 2 ऊपर 1 5 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 नंबर 558. इसमें स्टेप थ्री में आपको क्या करना है स्टेप थ्री में आपको ये जो पहला वाला नंबर मिला है अभी दूसरा वाला नंबर ये दोनों का आपको सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे ना 786 माइनस 558 756
558 कर सकते हैं। 6, 8 अभी बार से जाएगा 10, मिलाकर होगा 16, 16 से 8 आने के बाद 8, अभी इसमें 4 है, 4 अभी इसमें आएगा 10, मिलाकर अभी 14, 14 से 5 आने के बाद 9, अब यहाँ पर 6, 6 के 5 आने के बाद 198। इसका कितना सिंपल फॉर्मूला है 198। अभी आपको नीचे से लिखना है 329 माइनस 196 प्लस 457 माइनस 362 इक्वल टू 198। दिस इज द सिंप्लीफाई। आपको ऐसे ही 39 नंबर में जितना दिया है उसको सारे के सारे आपको ऐसे ही घर में करना है। देखो अभी मैंने इसी क्लास में वी ऑनली डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू 39। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस 40 नंबर टू 77। अभी आप लोग घर में ये हार्ड कॉपी और बुक को लेकर अपनी मैथ कॉपी में नंबर 1 से लेकर 39 नंबर तक करना है और आपको मेरी नेक्स्ट क्लास तक वेट करना है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।